ओके बॉयज, अगर ये लो एंगल पे शॉट चेक करेंगे तो देखना ये है कि किस तरह से जो शॉट से मतलब एंगल मेरा आ रहा है, क्यों कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बड़े अरसे के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। पहले व्लॉग बनाता था लेकिन उसके बाद कुछ गैप आ गया था, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गया था, लेकिन फाइनली आज मौका मिला। मैंने कहा इतने दिनों के बाद जो है व्लॉग बनाते हैं, तकरीबन 2 साल आई गेस हो गए, इतना टाइम तो हुआ होगा। पहले तुम लोग देख रहे होगे कि मेरा जो कॉन्टेंट की क्वालिटी होती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लो होती थी, लेकिन फाइनली अब इतने अरसे के बाद आ रहे हैं। तो लाइफ में जब बिज़ी होता है बंदा तो फिर इक्विपमेंट भी अपग्रेड होता है, तो फाइनली जो है हम लोग एक अच्छे डिवाइस के साथ, एक अच्छे कैमरे के साथ व्लॉग बना रहे हैं। बाकी शक्ल वगैरह को इग्नोर करना क्योंकि मैंने गंज कराई हुई थी, तो उसके बाद मैंने बालों को ध्यान नहीं दिया, लेकिन फाइनली अब बाल वगैरह भी कटवा लेंगे। लेकिन फाइनली जो है मैंने कहा आते हैं। अब भी सीन ये कि हम लोग इधर आए हुए थे गुलबर्ग, मैंने नई स्कूटी ली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। वैसे वो पेट्रोल की प्राइसेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मैंने कहा चलो जी एक नई हमारे पास जो ओनरशिप है वो उसको इग्नोर करना बेशक तुम लोग। ये मैट को इग्नोर करना है क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी तो ये काफ़ी गंदा हो गया, लेकिन फाइनली ये है कि मैंने अपने पैसों से जो है मैंने अपनी सिस्टर के लिए ये ली है, कि वो यूनिवर्सिटी वगैरह जाती है तो एक चीज़ होनी चाहिए। तो अभी हम लोग आए हुए हैं इसको सिखाने के लिए, इसको नहीं आता कि बाइक किस तरह से चलाते हैं, तो अभी इसको हम लोग सिखा रहे हैं। महीना आई गेस लगेगा, महीना ना भी लगे तो 2.5 हफ्ते तो कम से कम लगने ही है लगने। तो ये थोड़ी सी अपग्रेड्स वगैरह थी, बाकी यूट्यूब्स का फाइनली मुझे पासवर्ड याद आ गया और व्लॉग बना रहे हैं। मेरे पास कुछ व्लॉग पड़े भी हुए थे लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं एडिट कर सकता। मैं पबजी मोबाइल के लिए एडिट करता हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ, लेकिन अपने व्लॉग के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं एडिट कर सकूँ। तो आई होप कि तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया होगा लेकिन गुड सीन है यार, आई मिस यू अलॉट, पुराने दिन याद आ रहे हैं यार। ये काफ़ी देर से ना सोलो चला रही थी तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा बैठता हूँ, मैं भी बैठता हूँ, इसके साथ जाऊँगा, मुझे साथ लेके जाना, तो इसके साथ बैठेंगे ताकि थोड़ा सा वजन आए। अरे वो ब्रेक पे हाथ रखा करना, अभी अभी तू भी जा, तो उतराई पे हम लोग है ना, तो इस वजह से पीछे जा रही है। इसको चलाने ही नहीं आ रही अभी, वैसे आ रही है, किधर आ रही है, नजर आ गया। हाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखो ये देखो, ऐसे तो कोई भी चला लेता है। नहीं रुको ना, जिसके हाथ ना वो भी चला ले ऐसे, जिसके हाथ ना फिर उसके मोए मोए आ जाते। थोड़ा बहुत तो चलाना आ गया, वजन जो बैलेंस है वो इसको करना आ रहा है, लेकिन ये कि अभी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते की जो प्रैक्टिस है उसको चाहिए होगी, ताकि 2 हफ्ते के बाद जो है वो इसको मतलब रोड पे हम लोग जाके, अभी तो सर्विस रोड वगैरह पे चला रही है जहाँ पे कोई जो है ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो 2 हफ्ते के बाद ये कि इसको रोड वगैरह साइड पे लेके जाएंगे ताकि थोड़ी सी जो आगे पीछे ट्रैफिक आती है तो वहाँ पे भी जो इसको बैलेंस है वो करना आए। तो तब तक देखते हैं कि क्या सीन बनता है इसको। अभी इसने कल चलाई थी, कल इसका एक्सीडेंट भी हो गया था, अभी दूसरा दिन नहीं हुआ था स्कूटी का, इसका एक्सीडेंट हो गया, तीसरा दिन एक्सीडेंट हुआ था। चलो तीसरा दिन, दूसरा दिन, पहले 2 दिन चलाई नहीं है, तीसरे दिन एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा था इसको 2-3 हफ्ते तक लेके जाएंगे रोड पे, ये खुद अभी रोड पे लेकर आ गई है। पहले हम लोग ये सर्विस रोड पे चला रहे थे, पहले ये अभी जो है एकदम से इससे एक्सेलेटर जो एकदम दब गया था, बाइक आउट ऑफ स्पीड हो गई थी, और अब ये यहाँ पर रोड पे लेकर आ गया। पता नहीं, मैं मुझे ख़तरा मुझे है, उसका तो मसला नहीं है भाई, पीछे सवारी में मासूम बैठा हुआ हूँ, तो दुआ करो मेरे लिए यार। अगर तो ये व्लॉग अपलोड हो गया तो समझ लेना मैं बच गया हूँ, वरना जो है वो मेरे मोए मोए हो गए हैं। ये बाइक आगे जा रहा है, उसको डायरिया हुआ होगा भाई साहब, क्रुत 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 कर रहा है। मेन रोड का मार आ चुके हैं, मेन रोड का लोग आ चुके हैं, अभी तक तो सेफ है, साउंड है, देखो आप सारे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जो लड़की होती है चलाती है लोग वैसे ही देखते हैं, कुछ है नहीं स्कूटी है, तो लोग तो है नहीं देखते भाई, जो चीज़ है ना
रूश 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 कैटो किधर है? कैटो किधर है? कोई नहीं कोई नहीं ऊपर आ जाओ चलो भाई ऊपर चलो कैटो किधर है रूश? अच्छा बॉयज घर में मेहमान आए हुए थे जिसकी वजह से जो है हम लोग वापस आए थे। अभी स्कूटी भी चार्ज हो गई होगी, कुछ दोस्तों का मैसेज आया था, दोस्तों को मैंने इंट्रोड्यूस किया भी हुआ है व्लॉग में, तुम लोग 2 साल पहले तुमने देखा होगा, आज तुम लोग देखो कैसे हैं। तो अभी मैं जाऊंगा उनकी तरफ, फिर देखते हैं वहाँ पर अगर कोई सीन बनता है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई सीन ऐसे बने क्योंकि जो है बस वैसी मुलाकात वगैरह होगी, लेकिन मैंने कहा चलो यार उनसे भी मिलवाते हैं कि वो भी अभी तक साथ ही हैं, मतलब सारा फलाना टिकाना। फवाद भाई आप लोगों ने देखा होगा कितने टूर हमने साथ मारे हैं 2 साल के बाद, फवाद भाई इस तरह कैमरा आपके सामने आया हुआ है। बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है मगर यूज्ड टू हो रहे हैं, बड़े प्यारे आ रहे हैं वैसे। तो अभी फवाद भाई ये कह रहा था कि यार पहले ब्लॉग बनाते थे अभी शर्म भी आ रही है, लेकिन अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो पुरानी रूटीन थी उसको भी लेकर आना है वापस से। तो अभी जो है इसके अलावा भी हमने ऑफ द ब्लॉगिंग ऐसे काम ना क्या करो ना कि शक्ल दिखा छुपानी पड़े, नहीं ऐसे काम क्यों किए तुमने जो शक्ल थी दिखानी पड़ी, नजर लग जाती है ना, ऐसी कौन सी नजर फसले की नजर नहीं लगती है, दिखा दो यार दिखा दो। देखो तुम्हारे तो फैंस थे, इतने फैंस थे मेरे चैनल पे, तुम्हारे फैंस की लड़कियां जो है वो मैं नहीं, मेरे फैंस तो है नहीं, फैंस तो तुम्हारे थे, लोग मेरे चैनल पे कहते थे ज़ैफ़ा भाई से मिलो। आपके फैंस हैं ना लाहौर से 3 हैं, कराची से 2 हैं। आपने फैन मीटअप भी किया मैं भूल गए, वो तो गेमिंग फैन थे ना, इस व्लॉगिंग चैनल पे कोई फैन नहीं है मेरा ज़ैफ़ा भाई, मोक्योग्राफी था कौन सा, मोक्योग्राफी जिसपे ब्लॉग आते थे, हमारे मुल्क के जहाँ बहुत देखो भाई मछलियाँ खाते हुए, वो हमारे मछलियाँ नहीं खाते, सफाई है दोज आर्मी गाइस जाबाज सफाई हुए ना, वो DHA पे करने वाले हैं, DHA पे होता है। तो अभी ये सीन है, बड़े अरसे के बाद हम लोग भी मिल रहे हैं, कल ये लोग गए थे भाई मुझे कुछ खाना खाने के लिए गए हुए थे मुझे छोड़ के, स्टोरियाँ देख रहे हैं भाई कढ़ाइयाँ खा रहे हैं और मुझे उसने बुलाया कहते हैं मुनाल चलते हैं भाई साहब यहाँ से निकले बाहर चिकन बिरयानी खा कर आ गए हैं। वो हुरैरा भाई की वजह से हुआ था, आप हुरैरा भाई किधर जा रहे हो मंदी लेके? या ब्रदर बस मेरा दिल था बिरयानी खाने का, यू नो अच्छा स्पाइसी है वो। हाँ हमारे हुरैरा भाई जा रहे हैं कुछ दिनों में चाइना, तो उन्होंने हमें ट्रीट देनी थी, कहते हैं कि यार उस दिन मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह बाद में कभी ट्रीट दूंगा जाने से पहले, तो उन्होंने फिर बिरयानी मंदी की भी तो बात हुई थी ना, मंदी भी तो खुला है, मंदी को कब खुलाया? नहीं यार पहले मैं स्पाइसी बिरयानी का एड्रेस दे दूं, उसका ना दो भाई साहब, उसका ना दो, नहीं उधर कोई भी ना जाए भाई, एक दफा भी ट्राई मत करना। सैफा भाई किधर जा रहे हो यार? यार मुझे ना बहुत सारा प्रेशर आया है, मैंने वॉशरूम जाना है और मैंने कहा कि ना हल्का होना सही है भाई, जाओ जाओ ओके फैन भाई, लास्ट की पे टॉप फाइनली अच्छा शक्ल भी दिखा दी आपने, देखें ये देखें मुझे दिखाओ शक्ल, जैन भी बताओ यार इसको क्या करना है, क्या बताएं क्या बताना है, कुछ तो बता दो जो तुम कह रहे थे अभी, क्या बहुत जल्दी रिएक्शन वीडियो आ रही है, रिएक्शन भाई हमारे रिएक्ट करेंगे यार, इसको बड़े जोर की सुसू आई हुई है, नहीं वो नंबर 2 आया। ओके मुझे तो बता देना ग्रुप। अच्छा वो सीन ये कि हमने स्कूटी वगैरह चला ली, दिन का इसी तरह का आवाज़ हुआ था कि स्कूटी चलाने के, फिर मेहमान आ गए थे दोस्तों से मिलकर आए हम लोग, वहाँ पे भी थोड़ा शुगर मेला लगा था, जो दिखाना था मैंने दिखा दिया, लेकिन खैर अभी ये सीन ये है कि अभी जो है मैं रेडी हूँ, मेरी ना कमेंट्रेट वो कास्टिंग है, तो तुम लोगों को अगर नहीं पता तो कास्टिंग जो होती है जिस तरह क्रिकेट को तुम मैच देखते हो 2 बंदे कमेंटेटर लगे होते हैं कि इसने बॉल कराई आउट हो गया फलाना ठिकाना, जो पीछे बंदे बोल रहे होते हैं, तो पबजी मोबाइल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की भी कास्टिंग होती है, तो मैं ई स्पोर्ट्स कमेंटेटर हूँ,
तो मैंने 2 सालों में जो अपने आप को इस चीज़ में, इस फील्ड में ग्रो कर लिया, तो अभी हमारी जो है कास्टिंग स्टार्ट होगी। तो मैं जो हूँ यहाँ पे व्लॉग आज का बंद करता हूँ। आई नो कि 2 साल बाद व्लॉग बना रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो गलतियाँ डेफिनेटली होंगी, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अगर व्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने बॉय को दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिए।